वाघेला, इनके नाम से ही भले आपने इनको ना पहचाना हो, लेकिन ये वो हैं जो भावो बनकर आप सबके दिल में बसती हैं और आज हम हमारा दिन उनके साथ बिताने वाले हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मैम के घर पे। तो मैम सबसे पहले तो बताइए क्या शेड्यूल अभी आपका चल रहा है? शेड्यूल बहुत भागदौड़ का है कि बिकॉज शूट है, मजबूरियां हैं क्योंकि शेड्यूल बहुत कट टू कट चल रहा है। एंड दियाबाती के बारे में आप लोग जानते हो कि हाईजेक ड्रामा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है हम सब पे। तो वही मैं अपनी बेटी जो है वो इतनी सुबह उठ गई है तो उसे समझा रही थी कि मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगी, जबकि मुझे पता है कि 9 के पहले मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। थैंक्स मैं अपने फैंस को दूंगी कि वो लोग इस कैरेक्टर को यानी कि अपनी भावो को इतना प्यार करते हैं। लव यू। पहले तो ये मेरी गुड़िया जो सुबह उठी हुई है अपनी मम्मी के लिए कि इसकी मम्मी से पूरे दिन नहीं मिलेगी, तो आई रियली थैंक्स टू माई चिल्ड्रन, दे आर कोऑपरेटिंग मी सो मच। मम्मा, अगर हम लोग के साथ थोड़ा भी टाइम रहे ना तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। शर्मिला सा सूरज जो मेरे घर में है उससे मिलाती हूँ। वो अभी अभी जस्ट फुटबॉल से आया है और भाग भाग के आया है कि उसकी मम्मी कहीं चली नहीं जाए। ये है मेरा सूरज प्यारा सा, ये है ममाज बॉय। ममाज बॉय हूँ मैं। एक्चुअली ही इज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड और इसने अभी अभी ज्वाइन किया है फुटबॉल। एक्चुअली मैं फास्ट ट्रिप और छुपा छुपी का खेल बहुत खेलती थी क्योंकि ये खाना नहीं खाता था। इसको खिलाने के लिए मुझे बहुत सारे घूरा कर क्या पूरा एरिया घूमती थी, पूरे गार्डन घूमती थी, ऐसे करती थी, ये खाया अब छुप जा। तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो इसलिए इन बच्चों को कमी महसूस नहीं होती हूँ। मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ जॉइंट फैमिली में रहें, जो वर्किंग वुमेंस हैं, जो फैमिलीज़ हैं, तो इन बच्चों को जो चीज़ें हैं जो मिस होती है वो मिस नहीं होगी और कम से कम उन्हें अपनों का ही प्यार मिलेगा। अरे ये तो खेलते ही रहेंगे, वक्त यूँ निकलता जाएगा, लेकिन मेरा कॉल टाइम हो रहा है, मुझे पहुंचना है सेट पर। अब मैं देखती हूँ मेरे किचन में क्या क्या तैयारी हुई है। जो मेरी दूसरी भाभोएं हैं जो मेरी सेहत का ध्यान रखती है, मेरे खाने का ध्यान रखती है, उनसे मिलते हैं। हेलो, क्या हुआ, कुछ तैयारी व्यारी हुई कि नहीं? आज मुझे कुछ खाना वाना दोगी कि नहीं दोगी? नहीं दोगी? माय गॉड, ये है मेरी देवरानी और ये है मेरी ननन, लेकिन मेरी बेटी से कम नहीं है, बहुत ध्यान रखती है, बहुत गुस्से वाली है ये। जैसे वो मेरी छोटी काली है वैसे ये बड़ी काली है। आई माय गॉड, आलू के पराठे बन रहे, देखो देखो। यही फायदा होता है एक जॉइंट परिवार में रहने का कि मेरे बच्चों को आज संडे के दिन भी कमियां महसूस नहीं होगी। उसके मम्मी पापा अगर बिजी है तो ये दोनों उनकी स्टडीज से लेकर के उनकी सेहत से लेकर के एवरीथिंग का ध्यान रखती। देखिए कितने कम ऑयल में आलू के पराठे बना रही है। अरे मम्मा कैसी हैं आप, नहा लिया आपने? ये मेरी मदर इन लॉ है, ये जो मेरी भाभो है, भाभो की भाभो है ये। और मैं थोड़ी सी बहुत ही ज़िद्दी किस्म की होती है ना, मैं उस टाइप की थी थोड़ी सी, मेरी मम्मी ने बोल दिया तो, बट वो सारी चीज़ें इन्होंने मेरे गुस्से को कंट्रोल करवाया, कैसे नॉर्मल होना चाहिए, कैसे एक घर के बड़े को हैंडल करना चाहिए, अपने परिवार को, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैंने इस माँ से सीखी है। स्प्राउट्स का सलाद मेरा, मैं डब्बा पैक करती हूँ क्योंकि वहां पे जो मेरी ईपी है उनका बीपी हाई हो रहा होगा। खुशी है और वो खाती है।
की शुरुआत हो चुकी है, अब हम मंदिर से सेट की तरफ निकल गए हैं। भाभो हमारे साथ हैं। भाभो सबसे पहले तो ये बताइए कि आज SBS के साथ आपके दिन की शुरुआत कैसी रही? बहुत अच्छी रही। वैसे भी शुरुआत से भाभो के सफ़र में SBS का काफ़ी योगदान है और आज सेट के सफ़र में भी SBS का ही योगदान है। और मेरे देखने वाले जो फैंस हैं उन सबको मैं हे मारा राम जी। टीवी इंडस्ट्री में आई थिंक ये पहली बार ऐसा कुछ बताया जा रहा है हाईजैक, और वो भी जिस तरीके से शूट चल रहा है हमें पता है, भले ही दर्शकों को ना पता हो उस चीज़ के पीछे कितनी मेहनत लगती है, तो वो पूरा एक एक्सपीरियंस कैसा है? मैं आपको बताऊँ, इस टीम के पीछे, इस हाईजैक के पीछे काफ़ी जो भी हमारे जैसे स्टोरी राइटर्स हैं, शशि मैम हैं, सुमित सर है, और पूरी टीम, स्टार की पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। उनकी इतनी मेहनत लगी है कि एक एक शॉट के लिए चार चार घंटे अगर आप हिल नहीं सकते, बिकॉज 3 शॉट 4 शॉट्स के अंदर सारे आर्टिस्ट का कॉपरेशन है। बच्ची एक छोटी सी है, गुड़िया सी, उस बच्ची का भी योगदान है। वो 12-12 घंटे शूट कर रही थी हमारे साथ में, एंड शी वॉज सो स्वीट। और उसको देख के हमको हिम्मत आती थी कि जब वो छोटी सी गुड़िया इतनी प्यार से कर रही, हम कैसे थक जाते। तो इट वॉज़ अ टीम वर्क, एंड लोग पसंद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खुशी हमको मिल रही है कि आज हमारी मेहनत रंग ला रही है। Okay. एक सवाल जो दर्शक, जो घर पे जितनी महिलाएं बैठी हैं सब पूछ रही है, भावो मर जाएगी क्या? देखो भावो को मत मारो, अभी भावो जीना चाहती है, भावो के बहुत सारे काम है। सूरज के बेटे का मुंह देखना चाहती है, उसको नज़र का टीका लगाना चाहती है, छवि का जापा पूरा करना चाहती है, मीना का जापा है जो दूसरा है, शायद काना हो जाए। पहले में तो मिस्री आ गई थी, धोखा दे दिया था उसने मुझे। पता नहीं, ये तो सब भगवान के हाथ में है, पर आप लोग प्रार्थना करना कि भावो ना मरे। आप लोग भी बहुत परेशान हैं हाईजैक में, हम भी परेशान हैं, तो यही है। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ मैं भी खा लूँ। घर से बस यूँ ही दूध का एक कप पी करके निकली थी। अब हमारा जो सफ़र है घर से लेके यहाँ तक का, वो यहीं तक रहेगा, क्योंकि हाईजैक ड्रामा चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हाईजैक मतलब हम आप लोगों को भी हाईजैक करने वाले हैं। और वैसे आप काफ़ी हाईजैक हो चुके हैं, इंतज़ार कीजिए, कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपको पता चलेगा और बड़ा मज़ा आएगा। सो सी यू, बाय बाय, थैंक यू।